बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं बारिक अली और आप देख रहे हैं टूरेंटिस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दी जो है बढ़ चुकी है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो मकान चूँकि नया बनाया हुआ है और इसके दरवाजे जो है वो अभी रह रहे थे, ये देखें दरवाजे जो है वो अभी नहीं लगाए हुए, और पर्दे वगैरह लगा के गुजारा जो है वो किया जा रहा था, क्योंकि शिफ्ट हो चुके थे यहाँ पर। तो इसलिए अभी मौसम ठंडा होने की वजह से दरवाज़ों की ज़रूरत जो है वो बढ़ गई है। बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी महसूस कर रहे हैं दरवाज़ों की कमी को, इसलिए दरवाज़े जो है वो बनाना ज़रूरी हो गया था। दरवाज़ों का ऑर्डर जो है वो दे दिया था और दरवाज़ों के लिए कॉल हमें आ गई थी कि दरवाज़े जो है वो आपके तैयार हो चुके हैं और दरवाज़े ले जाएँ। तो वजिया फातिमा के मुँह की कशीदाकारी देखें। क्या हुआ ये मुँह पर क्या किया है? किसने किया आपके मुँह पर? तो ये देखें ये मार्कर कलर पकड़ा हुआ है और इससे सारा मुंह जो है वो गंदा कर लिया, क्योंकि सीधाकारी कर लिया सारे मुंह में। इसने अपनी लिपस्टिक भी लगाई है। तो आपने क्या लगाया हुआ? आपने भी लगाया हुआ इधर। वो भी आने लगाया है। ये देखें जी, इसका मुंह भी देख लें, इसने भी की है। और ये देखें ये मोहम्मद शाह की सीधाकारी, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने लिखा हुआ है ना, अपना घर गंदा किया हुआ है ना। अरबी रस्मुल खत में इसने गिनती यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे जो है वो अंग्रेजी रस्मुल खत में लिखी जाती है, मगर यहाँ पे इसने अरबी रस्मुल खत में लिख दी हुई है। आपको गिनती लिखनी नहीं आती ना? आती है। आती है, तो ये तो आपने दूसरी साइड से लिखी हुई है। सही लिखी है। अच्छा, इस साइड में कर देते हैं। हाँ, अभी पता चल गया ना कि आपने लिखी है, आपने खुद ही बता दिया कि मैंने लिखी है। क्या हुआ? तो घरों में बच्चे जो है वो अक्सर दीवारों के ऊपर कशीदाकारी कर देते हैं, आपके बच्चे करते हैं या नहीं करते मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो चलिए चलते हैं, दरवाजे जो है लेके आते हैं। एक तो आपको दरवाजों का डिज़ाइन और कलर दिखाते हैं और दूसरा दरवाजे लेके आते हैं। दरवाजे ले जाने के लिए मुझे मोटरसाइकिल पे जाना पड़ेगा और वहाँ से किसी चीज़ पे लाद के लाने पड़ेंगे, तो जैकेट जो है वो ज़रूरी है। जैकेट पहनते हैं, हेलमेट लेते हैं और फिर चलते हैं। क्या बात है, नहीं आपने नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ, आप जाओ। जैकेट पहन लिया, हेलमेट ले लिया और अभी चलते हैं। कल रात की बारिश की वजह से मौसम जिधर है एक तो काफ़ी ठंडा हुआ, दूसरी साइड पे फसलों के ऊपर जो है वो भी बहार आ गई है। ये आलू के खेत हैं और यहाँ पे आलू लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही चमक है खेतों के ऊपर इस वक्त हरियाली की। और इसी तरह इस साइड पे गंदम लगी हुई है और ये गंदम जो है वो भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और अभी इसको खाद वगैरह की ज़रूरत है, खाद वगैरह डालेंगे तो गंदम जो है वो माशाल्लाह बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। और यहाँ पर खेतों का नज़ारा जो है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र दुआ। बशर साहब के वाले साहब से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ आया हूँ, और अभी चलते हैं अंदर। बशर लोगों के घर का काम जो है वो भी अभी जारी और सारी है। इधर बाहर जो है वो मार्बल स्लैब लग रही है, यहाँ पे मार्बल की रगड़ाई जो है वो हो रही है। और बारे में सुनाए।
अल्लाह का शुक्र दें। तो जी मैं मुदस्सर साहब के घर का काम जो है वो देख रहा था, तो मुदस्सर साहब यहाँ पे नहीं थे, अभी आ गए। तो और मुबशर साहब और जैन साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, उसकी वजह यह है कि वो आपको पता है इन दोनों ठंडे इलाके में गए। मैं क्यों नहीं गया, उसकी एक थोड़ी सी रीज़न है, छोटी सी वजह यह है कि हमारे घर में जो है वो काम शुरू था। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकता। हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं फिर से आपके मुंह से सुनना पा रहा था। सही हो गया। असल में मुकर्रम जैन और मुबशर साहब जो है वो मेरे पास गए थे और कहने के लिए स्पेशली कि चलें, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी थी। मुझे भी यही पता चला था कि चार जो है बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं। नहीं नहीं, बड़े नहीं, अदना से लोग हैं, बड़े नहीं है। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया भाई, ये आपकी दुआएं हैं और आपका बड़ा बन है, जो आप हमें बड़ा कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खड़े होके आप सनराइज और सनसेट का सीन जो है वो बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। एक ही जगह पे आप अगर चेयर लगा लेते हैं तो सूरज निकलने का और सूरज ग्रूब होने तक आप पूरे दिन का मंजर जो देख सकते हैं। इसका मतलब एक चेयर यहाँ पे रखी और टाइम लैप्स लगा दिया ऊपर बैठ के। ये जी माशाल्लाह हमारा छत है और ये वहाँ पे सूरज ग्रूब हो रहा है और इधर से सूरज तलू होता है। मगर वो किसका लगाना पड़ेगा, 360 एंगल का लगाना, लेकिन सारा दिन उस पे बैठना पड़ेगा फिर। और ये लोकेशन जो है, लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि गंदम की काश्त हो चुकी है, छोटी छोटी गंदम उग रही है और उसके अलावा बरसीन के जो खेत हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही दीदा जेब जो है वो लोकेशन लुक देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे स्पेशली जो है क्योंकि यहाँ से आगे गांव दूर है और दरख्त काफ़ी है, तो यहाँ की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्पेशल है। उसके अलावा साथ जंगल है, वो जंगल अगर आपको नज़र आ रहा हो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। वैसे जो टॉपिक था वो आज का ये था कि दरवाजे जो हैं उनके बारे में डिस्कशन के लिए आए थे। दरवाजे तैयार करवाने के लिए हम लोग गए थे इकट्ठे, मैं, मुदस्सर साहब, मुबशर साहब और उसके अलावा बड़े भाई थे साथ। तो दरवाजों का ऑर्डर दे के आया था मुदस्सर साहब। दरवाजे कितने अरसे के बाद आए हैं ऑर्डर के बाद? नहीं याद। तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 माह के करीब तो हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप एक ही डिज़ाइन के करते हैं ना फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप अगर मुख्तलिफ, क्योंकि हमारे पास टाइयों का मसला है, तो लेकिन हमने मुख्तलिफ किए, मुख्तलिफ पोर्शन में मुख्तलिफ डिज़ाइन किए, लेकिन फिर भी लेट आए। मैंने भी जो है वो ऑर्डर चेंज किया था, मुबशर साहब ने भी चेंज किया, तो इसके बावजूद हालांकि इन्होंने हर फ्लोर का जो डिज़ाइन है वो चेंज किया, मोस्टली काफ़ी सारे दरवाज़ों का डिज़ाइन जो है वो चेंज किया, तो इसके बावजूद जो है वो काफ़ी लेट हो गया काम। तो दरवाजे इसके अलावा पहुंचने थे कहीं और पहुंच गए एक ही जगह पे सारे, क्योंकि एड्रेस जो दिया था यहाँ का था। और दूसरा बड़ा मसला है कि रात को आए थे, रात को 10-11 बजे आए। मैंने उन्हें ये कहा था कि जी आप आएँगे तो मुझे सिर्फ कॉल करनी है, मैं आपको सारा, क्योंकि हमारा घर पड़ता है रास्ते में, तो मैंने कहा था यहाँ से उतार के तो जाते हुए वहाँ उतार जाएं या वहाँ से आते हुए जो है रास्ते में उतार के यहाँ पे आ जाएं, मगर उन्होंने रابطہ शायद किया नहीं या किसी वजह से रابطہ नहीं हो सका। और यहाँ पे मैंने उन्हें ये कह दिया था कि आप जो है ना बंदे का अरेंज कर लें, क्योंकि रात को कौन उतारेगा दरवाजे। सही हो गया। तो उसने कहा था ठीक है, उसका मैंने पैसे भी पे कर दिए, मतलब बिल भी दे दिया था, बिल में ऐड हो गए थे। लेकिन यहाँ पे आते ही गाड़ी वाला कहता है यार फिर बंदा दो कोई जो सामान उतारे। मैंने कहा सही है भाई। तो ये हमारे कारोबार में थोड़ी बहुत जो है ना वो होती हैं ऊंच नीच, तो वैसे होना नहीं चाहिए, क्या ख्याल है? यहाँ नहीं होना चाहिए। खैर ये तो इत्तेफाक की बात है कि हमें इतनी जल्दी पड़ी नहीं दरवाज़ों की, तो खैर ठीक है जो भी है। मैंने पूछे नहीं, लेकिन जब मैंने कॉल करना चाहा ना, मैं पूछूं इससे पहले कि भाई मुझे पूछे कि दरवाज़ों का क्या बना, तो उसने कहा था कि हाँ दरवाजे आपके तैयार हो गए हैं, तो आपके जो है वो कब्जे डिज़ाइन, फिर उन्होंने मैसेज किए कि ये आप अपनी पसंद कर लें जो लॉक्स हैं, फिर ठीक है जो भी हो गया। सही, आपकी कॉल के बाद उसने मुझे कॉल किया जी, मुदस्सर लोगों की पेमेंट और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, आप भी क्लियर करें और हमें बताएं हम सारी चीज़ें। पेमेंट का डाउटफुल था कि
पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इशू नहीं था, हालांकि उन्होंने हमें कहा था कि हाफ पेमेंट आप करें, हाफ पेमेंट करेंगे तो वो कह रहे थे दरवाजे बनने के बाद में। मैंने कहा सही है, तो चले जैसा हो गया बहुत अच्छा हो गया। दरवाजे जो है वो पहुँच चुके हैं और उनका कलर कौन कौन सा सिलेक्ट किया अभी देखते हैं, और मुदस्सर भाई खुद ही बता देंगे कि हमारे दरवाजों का कलर कौन सा और उनके दरवाजों का कलर कौन सा है, पता चल जाएगा हमें। आपने मेरे ख्याल में पहले वीडियो में बताया। हाँ जी, मुदस्सर साहब ने शायद आपको वीडियो में बता दिया, ये एक दरवाजे जो हैं ये मुदस्सर साहब ने सिलेक्ट किया और इनका कलर जो है वो भी इन्होंने सेलेक्ट किया। इनकी कलर कलेक्शन जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, और हमारी तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल सा कलर जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपका कलर जो आपको सूट करता था पहले दरवाजों से और चगाठों से जो मैच करता था, आपने वही कलर चूज़ किया ताकि दोबारा कलरिंग ना करवानी पड़े। और मैंने जो ऑफ वाइट दीवारों को, अभी ये सिंगल कोड है ना, डबल होगा तो इसका कलर और भी उठेगा, तो इससे मैच कर जाएगा। ये मेरे ख्याल से क्रीम कलर है, या मुझे इतना कलरिंग का पता नहीं है, तो ये क्रीम कलर, शायद इसको क्रीम कलर ही बोलते हैं, ये ऑफ वाइट, ये मैच कर जाएगा। ये तकरीबन थोड़ा सा येलो शेड देता है, वैसे से क्रीम कलर में ही काउंट करते हैं ऐसे ही ऐसे। तो इन्होंने जो अपनी बाउंड्री वॉल है घर की, जो जहाँ पे ज्यादा कलर जो बाहर से जो कलर करवाने, अंदर से भी इसी के मेरे ख्याल से होने हैं कलर ना, ये जो डिजाइन होने हैं ना इस यहाँ पे, ये देखें, और जहाँ जहाँ से वाइट छोड़ दिया गया ना यहाँ पे और कलर लगने हैं, ये जहाँ पे वाइट लाइन ये जो छोड़ी हुई है यहाँ पे भी कलर जो है वो तकरीबन इससे मिलता जुलता हो जाएगा, और बाउंड्री वॉल जो है वो भी ऐसी हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश तो है। तो कलर कलेक्शन देख के की गई है, और हमारे जो घर की और ये डिजाइन भी इनके घर में पहले लगे हुए हैं, पहले वो प्लाई में लगे हुए थे, नहीं नहीं हाँ किस में, वो भी फाइबर में लगे हुए हैं, वो गुजरा वाला जो घर बनाया है उसमें लगे हुए हैं, और डिजाइन जो है वो सिंपल सा है, अच्छा लगा, यही वाला था ना डिजाइन वहाँ पे, हाँ तकरीबन यही है, सेम है, तो कलर और डिजाइन तकरीबन वही है, तो उसी को देखते हुए मैंने जो है वो यहाँ भी लगवा लिया, ज्यादा चेंजिंग नहीं की, सिर्फ एक दरवाजे की चेंजिंग की है। वो कैसा लगा आपको, देखा था? नहीं, वो ज़बरदस्त है। अच्छा, हाँ हमारा भी जो है ना यहाँ पे है, कहाँ पे जो घर के लिए एक बनवाया ना दरवाज़ा, भाई मुझे पसंद आया जो डबल वो घर के, हाँ वो मैं अपनी वीडियो में बताऊँ। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन पसंद किया, सिंपल सा जैसे वो है ना, सादे से उन्होंने भी सादा सा पसंद किया, तो जो अपने घर वो किचन दूसरा जो दरवाज़ा जो मैंने अलहदा से सिलेक्ट किया वो मैंने देखा नहीं है अभी तक कि उसका डिज़ाइन कैसा है, वो देखूँगा। हाँ इधर ही है, ये रहा। हाँ ये मैं समझ गया, हाँ ये डिजाइन है जी, सही है, जबरदस्त है, वारंटी है इन दरवाजों की, इसीलिए ये मैंने बाहर ही रखवा दिया, बारिश पड़ी है इन पे पड़ी है, सही है, अभी भी इन पे पानी है, मैंने कहा वाटर प्रूफ यहीं पे टेस्ट हो जाए। हाँ जी, आते ही दरवाजों का टेस्ट हो गया। हाँ। और बाहर ही पड़े हैं सेन में, क्योंकि एक तो उठा के अंदर ले जाना लाना ये काफ़ी मुश्किल जॉब है, इसलिए बेहतर है कि यहीं पे रख रही हैं, यहीं से उठवाएंगे और घर ले जाएंगे, तो अभी मुझे अरेंज करना पड़ेगा किसी चीज़ का जिसके ऊपर दरवाजे जो हैं वो घर पहुंचाए जाएं। हाँ लोडर रिक्शा होगा तो पूरी लोडर रिक्शे पे चले जाएंगे ना इंशाल्लाह। चलें ठीक है, तो अभी चलते हैं, मुदस्सर साहब से थोड़ी सी खिदमत ले लेते हैं कि जी लोडर रिक्शे का अरेंज करवाएं। हाँ मैं करवा देता हूँ, है किसी के साथ रब्ता या जाना पड़ेगा? रब्ता नहीं है, वो यहाँ बगैड़ी मतलब साथ वाले हैं, उनसे पता करना पड़ेगा। अभी मैं और मुदस्सर साहब चलते हैं और रिक्शे का रेंज जो है वो करके आते हैं ताकि दरवाजे जो है वो घर पहुंचाए जाएं। लोडर रिक्शे के लिए आए थे मगर यहाँ पे अभी रिक्शा जो है अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर पहले जब मैं मुदस्सर लोगों की तरफ गया था तो उस वक्त यहाँ पे खड़ा था, उससे मैं बात की कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा ये चलेंगे, मगर अभी आए हैं। और मुदस्सर साहब की सिफारिश करवानी थी, वो असल में दूसरे गाँव लोडर वो उसका पता नहीं अपना या क्या, लेकिन वो दूसरे गाँव छोड़ के और यहाँ पे रहता है, लेकिन वो छोड़ आया हुआ है अपना लोडर रिक्शा। तो अभी सुबह तक इंतज़ार करना होगा, सुबह जो है वो मुदस्सर साहब को हम कष्ट देंगे कि वो सुबह जो है वो हमें भिजवा दें, ठीक है? तो चलिए अभी घर तो जाना पड़ेगा क्योंकि हेलमेट मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया और हेलमेट लेके फिर वापस चलते हैं। हेलमेट की वजह से मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा, नहीं तो वहीं से मैं घर जा सकता था। और अभी पहनते हैं हेलमेट, हेलमेट का यहाँ पे आपको पता है सेफ्टी का भी फ़ायदा है और उसके अलावा सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि ठंड से भी बंदा बच जाता है। टाइम जो है वो काफ़ी हो गया, मैं मुदस्सर साहब से चाहूँगा इजाज़त और इन्हें जिम्मेदारी सौंप के जाऊँगा कि दरवाजे जो हैं वो इन्होंने पहुँचाने हैं मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
वादा नहीं करता, कोशिश जरूर करूँगा। हाँ बात वही है ना कि वादा क्या, जो वफा हो गया वादा वादे जो है वो कमी बेशी हो सकती है, तो इसके अलावा जो कब्जे वगैरह जो आप लोगों से बच जाए वो भेज देंगे। हाँ जो बच जाए, अगर दो दो बच गए, ज्यादा बच गए तो फिर जितने बच गए सारे हमारे, आपने क्या करने चले, कम हुए फिर भी आपके, ज्यादा फिर भी हमारे, चले सही है। तो चलिए जी इसी के साथ अभी इजाज़त चाहते हैं, वीडियो भी खत्म कर रहे हैं, चले जी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।